दस बजे बोर्ड स्विच लाइट में काफी मार देना पड़ता है, नहीं तो आरजे में होल्डर लगे तो जीत जाएगा, इसके लिए आरजे में काफी मार देना। और एक वीडियो में नया स्वागत करता हूं, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं शेखर इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल को। तो हम लोग आज ओपन वायरिंग करने वाले हैं ये घर में और ये वाला घर में, दोनों में करेंगे। तो कैसे करेंगे आपको वही दिखाएंगे। वीडियो में नया है तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए शेखर इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल को। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओपन वायरिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ओपन वायरिंग के लिए ये बॉक्स है, पाइप वायरिंग होगा, ये बोर्ड है 10 का, इसमें स्विच कट के लगेगा। ये अपना पाइप आ गया है पौना इंची साइज का। इसमें आपका लगेगा ये क्लिप, जो क्लिप से आप लोग सी क्लिप बोलता है, ये बड़ा भी साइज का था, छोटा भी। ये उसका आरजे बॉक्स है, इसमें होल्डर सिलिंग रोज लगेगा। और ये एल्बो है और ये टी है। और वायरिंग 1 mm का तार से हो रहा है लाइटिंग पॉइंट का। और आपको मटेरियल दिखाते हैं वीडियो में, देखिए। ये आपका इसमें एनसीबी बॉक्स लगेगा, ये एनसीबी है, ये कोना का स्विच लगा रहे हैं हम लोग, ये एमसीबी देखिए। और होल्डर बैटन लगेगा क्योंकि आरजे बॉक्स सीधा है बोल के, तो हम लोग बैटन होल्डर लगा रहे हैं। और ये आपका स्विच सॉकेट का सब बैंक बॉक्स आ चुका है। तो देखिए वीडियो कैसे हम लोग का बन रहा है। ये ट्यूबलाइट एक लगाना है और देखिए वहाँ से हम लोग वायरिंग चालू किए हैं। बाहर एक पॉइंट है, ये पाइप लगा, क्लिप लगा। अब यहाँ से एक पॉइंट बीच में होगा और ऐसे करके उठेगा ऊपर पंखा, फिर वो ऐसे करके जाएगा क्लिप लग के वहाँ से एक स्विच बोर्ड। इसके बाद बाहर आएगा, वहाँ से एक ठो यहाँ स्विच बोर्ड आएगा, फिर ऐसे करके वहाँ से मेन लाइन उठेगा, ऐसे एक ठो वहाँ स्विच बोर्ड, फिर एक पंखा, फिर वहाँ एमसीबी बोर्ड रहेगा, वहाँ से एक लाइन आएगा ऐसे अंदर घुसेगा और वहाँ एक स्विच बोर्ड, फिर एक लाइन ऐसे जाएगा बाथरूम अंदर का लाइट, फिर वो वायरिंग जाके किचन के अंदर। तो बस, और जो अपना ट्यूबलाइट लाए हैं, अपना ट्यूबलाइट यहाँ लगेगा, ये अंदर घुस के आधा लगेगा, इधर आधा, जिसमें क्या दोनों तरफ रोशनी हो जाएगा बाथरूम में। अभी देखिए वायरिंग चालू हो गया हम लोग का, देख सकते हैं वहाँ क्लिप है, क्लिप को मार के हम लोग डायरेक्ट वायर डाल के कर रहे हैं। वहाँ से दो वायर लेके आए, एक पॉइंट और एक न्यूट्रल, और न्यूट्रल वहाँ पे हम लोग लूपिंग करके पंखा के लिए उठाएंगे, एक पॉइंट नया डालेंगे। तो अपना एक तार पंखा के, एक दो और एक लाइट तीन, फिर इधर एक लाइट, चार तार का यहाँ उतरेगा और वहाँ से मेन लाइन निकल जाएगा। इन्वर्टर का भी एक तार हम लोग डालने वाले हैं। तो यही वाला वायर है हम लोग 1 mm का जला के दिए हैं, जिसे काम हम लोग कर रहे हैं। और ये जो वायरिंग है आपका बहुत ही सस्ता और बहुत जल्दी करने वाला वायरिंग है, कम पैसे का वायरिंग यही है आपका, वरना कॉन्सील होता, केसिंग होता। आज ओपन वायरिंग आपको दिया, रुको सीधा नहीं है, रुकिए, ठीक है। देखिए वहाँ एक तो पॉइंट रहेगा, तो इसके लिए वहाँ क्लिप मारा जा रहा है। वीडियो में अगर नया है तो वीडियो से जुड़ जाइए हम लोग के साथ, एंड तक देखिए वायरिंग कैसे हो रहा, पूरा बोर्ड लगा के दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए वो ठुक गया है, अब वहाँ से पाइप लग के टोपर हो जाएगा, ये एक तो पॉइंट अब बढ़ेगा यहाँ से। देखिए वो पंखा का वायर, हाँ यहाँ से ऐसे उठ के अब उतना उठेगा, तार नपाई चल रहा है। और वहाँ हम लोग न्यूट्रल को मोड़ दिए हैं, जो न्यूट्रल है एक ही कलर का वायर है ना, इसलिए न्यूट्रल को वहाँ मोड़ दिए हैं, न्यूट्रल लूप हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग को मालूम नहीं होगा तो देख लीजिए, दो तार हमेशा बल्ब का एक पॉइंट होता है और एक न्यूट्रल होता है, तो इसलिए न्यूट्रल लूपिंग किया है। एक ही कलर का वायर है इसलिए हम लोग रेड कलर दिए। और पंखा का जो वायर है उसमें हम लोग नंबर दे देंगे 3 नंबर। अभी पंखा का नपाई होगी, अब कट के उसमें 3 नंबर, इससे हम लोग को पहचान मिल जाएगा कि ये पंखा का वायर है, तो रेगुलेटर में कनेक्शन करने के लिए ईजी होगा। वैसे वहाँ से अपना यहाँ से दो तार आया था, एक पंखा का 3 और 1 लाइट, 4 तार टोटल ऐसे करके वहाँ तक जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग होल से पार करके दूसरा मेन लाइन लेंगे। देखिए वहाँ एक पॉइंट, एक तो पॉइंट, अभी सेंटर में तो क्लिप लग, पॉइंट और यहाँ का उनका हो गया वहाँ से पॉइंट। ये आपका एक फेस, एक न्यूट्रल है, 1.5 का हम लोग दिए हैं जो तार था, एक नंबर दिए फेस में, 2 नंबर न्यूट्रल, इसमें से एक तो आपका इन्वर्टर का वायर है, और बाकी आपका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, एक बाहर का, 3 अंदर का। और ये मेन लाइन हम लोग का यहाँ निकल गया, वहाँ से मेन लाइन वो सेपरेट जाएगा और यहाँ का मेन लाइन सेपरेट जाएगा एमसीबी तक। हम लोग का यहाँ एक तो प्लग पॉइंट और वहाँ एक तो प्लग पॉइंट फ्रिज के लिए रहेगा, तो ये दोनों का हम लोग मेन लाइन यहाँ से लेके ऐसे उठाएंगे और वहाँ से लूपिंग करके वहाँ डाल देंगे, वो भी आएगा आपका एमसीबी में। और वो रूम का एक एमसीबी सर्किट, और ये जो स्विच बोर्ड रहेगा इसका एक तो सर्किट यहीं से करके एक ही एमसीबी में दे देंगे। और यहाँ एक तो पूजा के लिए रहेगा लाइट, अभी वहाँ से ऐसे करके ठोक दिया, वहाँ एक तो सॉकेट स्विच और वहाँ, तो अपना एक लाइट पॉइंट वहाँ रहेगा,
एक पंखा वहाँ से पाइप से उठेगा और एक लाइट अपना यहाँ दे देंगे, जिससे कि अपना दो पॉइंट हो जाएगा और एक पंखा हो जाएगा और बाहर एक लाइट रहेगा। तो अभी ये पॉइंट का साथ में न्यूट्रल जो इसका जा रहा है उसी से लूपिंग कर दे रहे हैं हम लोग, और वहाँ से मेन लाइन लूपिंग होकर यहाँ चल जाएगा और पॉइंट चल जाएगा। यहाँ के लिए दोनों बोर्ड का सेपरेट कर दिए हैं और अंदर का सेपरेट कर दिए, और ए बोर्ड का तो सेपरेट हो ही जाएगा और इसका भी सेपरेट चल जाएगा वहाँ तक। देखते रहिए वीडियो को, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब मुँह से ब्लैक टेप टान रहा, देखिए दोस्तों वहाँ से हम लोग जो ब्लैक वाला वायर दो ठो निकाले हैं फेस न्यूट्रल, वही ब्लैक वायर ये दो ठो है और इसी से लूपिंग करके हम लोगों ने इस बोर्ड के लिए दे दिए। तो ये दोनों का एक सर्किट, ये देखिए यहाँ फेस न्यूट्रल लूपिंग की है, ये दोनों को बोर्ड का सर्किट और ये हो गया आपका उधर का वो रूम का सर्किट। एक पॉइंट का तार बल्ब रहेगा और वो ऑपरेट होगा वहाँ से, जो ये पाइप से हम लोग बांधते हुए लेके वहाँ उतारेंगे और वो होल जो दिख रहा है वहाँ पे एमसीबी लग जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ये टू पूजा के लिए ये दोनों बोर्ड का अलग सर्किट हम लोग बना दिए। ये टेप मार के अलग से कर दिया, इसको ढक्कन लग जाएगा, ऐसा करके उठ के एल्बो लग के ऐसे चल जाएगा। एल्बो लगाएं, ढक्कन लगा के उठाएं, फिर यहाँ से हम लोग जीए तार से इसको बांध दिए। यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे आरजे और यहाँ से पॉइंट, फिर ये पाइप पूरा सीधा जाएगा एकदम, और ये आरजे को ऐसे करके बांध दिए हैं जिससे कि तार निकले लोहा में, और ये वायर डायरेक्ट वहाँ जाएगा वो होल तक। बाथरूम का किचन का लाइट वहाँ से, ठीक है ना, और ये वाला आया अपना यहाँ से जाएगा पूजा रूम के लिए। यहाँ एक बोर्ड लगेगा, उसमें होल्डर लगेगा, पहले क्लिप ठोक दिया इसके बाद वायर डाल देगा इसमें। पॉइंट हो गया वायरिंग, अब वहाँ का बोर्ड काट रहे हैं ये यहाँ से ऐसे लेके, यहाँ से हम लोग लगे, देखिए वहाँ एक होल्डर लगा दिया गया है और यहाँ टी लगा के देखिए यहाँ पॉइंट छोड़ दिए ट्यूबलाइट के लिए, उधर के लिए टू बोर्ड है उसको हम लोग काट रहे हैं। देखिए ये बोर्ड है, इसको हम लोग कटिंग कर दिए हैं चार तरफ से, देखिए हमारे चार तरफ कटिंग है, एक दो तीन, एमसीबी लगेगा, कनेक्शन हो चुका है, होल्डर लग रहा है, वहाँ होल्डर लग गया है, यहाँ भी होल्डर लग गया है, यहाँ भी होल्डर लग गया है, वहाँ भी होल्डर लग गया है, यहाँ पंखा का हो गया है और बोर्ड का देखिए बोर्ड हम लोग लगा रहे हैं। स्विच है, इसमें सॉकेट है, रेगुलेटर है, इसको सेटअप करेंगे और वहाँ पर लगाएंगे। तो दो एमसीबी है 32 एम्पीयर का, मेन लाइन लगा दिया गया है और ये आउटपुट है दो ठो, यहाँ लगा के ढक्कन लगा के नीचे से लाइन चालू करना और ये बोर्ड लग जाए, दो बोर्ड वहाँ लगाने का बाकी है और वो पंखा बाकी, दो बोर्ड बाकी, सब कुछ ख़त्म हो गया और वो जो है उसी का घर है। ठीक है, देखिए अब लग गया है, अब बोर्ड लगेगा और यहाँ से बाहर का भी दिखा देते हैं। बाहर का होल्डर हो गया और ये मेन लाइन यहाँ पे जोड़ देने से हो गया। और ये बोर्ड फिटिंग चल रहा है, सब दिया हुआ है और ये बोर्ड ही रेडी हो गया है, इसका कनेक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं सही किया है। ये फेस में ये न्यूट्रल निकाल दिया इंडिकेटर के लिए, ये मेन फेस में जोड़ना है और ये पंखा का रेगुलेटर। अब बोर्ड बाहर से ऐसे लगेगा देखने के लिए, एकदम मस्त सही लगेगा एकदम। दोस्तों बोर्ड हम लोग क्लिप मार कर ठोक दिए और कनेक्शन भी हम लोग कर दिए हैं, देखिए अरे ऐसा लगेगा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं वहाँ का बोर्ड तो लग गया है। अब हम लोग ये बेडरूम का है तो यहाँ का बोर्ड भी ठुकाई हो गया है, इसमें अपना लगेगा, इसमें चार स्विच लगेगा, दो सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर। तो ये बोर्ड लगाने से हम लोग का हो जाएगा, बाकी स्विच सॉकेट जो बोर्ड है छोटा वाला दो ठो, ये फेस न्यूट्रल है और एक इन्वर्टर का तार भी हम लोग डाल के रखे हैं, इन्वर्टर कनेक्शन अभी नहीं करना है। देखिए बहुत कम समय और बहुत जल्दी में वायरिंग होता है वाला, वायरिंग आप देखिए बराबर पूरा अच्छा लग रहा है। इसका बोर्ड देखिए लग रहा है, ये इसका बोर्ड है रेडी हो रहा है, इसके बाद फिर ये बोर्ड और वो बोर्ड, ये दो बोर्ड और एक इसका, तीन बोर्ड बच जाएगा, इसके बाद हम लोग लाइन चालू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग लाइन चालू कर दिए हैं, बाहर में मीटर उटर लग चुका है, देखिए मीटर होल्डर पॉइंट,
लेकिन लाइन चालू बल्ब जल गया है, बस अब थोड़ा बहुत बोर्ड का लाइन बचा, हम लोग लाइन चालू करके काम कर रहे हैं। देखिए बोर्ड में भी देखिए इंडिकेटर चालू हो गया, लाइन चालू हो गया है। हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।